Hey guys, welcome back to another vlog. Before, good morning. तो आज है ट्यूसडे का दिन और अभी समय हो रहा है 8 बज रहा है सुबह का। तो आज बसंत से पहले एक छोटा बसंत मनाया जाता है, वो सब चल रहा है अभी और काफ़ी ज़्यादा जो है म्यूजिक क्रिएट हो रहा है। तो हो सकता है वॉइस ओवर मैं बाद में डालूं, तो अभी सीधा यहाँ से आपको लेके चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं क्या चल रहा है सुबह 8 बजे का और पूरे दिन का एक्सप्लोर कराएंगे इसी में। तो चलिए फिर ऊपर चलते हैं, लेट्स गो। कुछ खास पतंगे वतंगे उड़ नहीं रही हैं, बहुत कम पतंगे उड़ रही हैं और पतंगबाजी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो ये देखिए, और अभी 8 बजे का टाइम है ये और धूप भी निकल आई है, मौसम ठीक ठाक है, कोई सर्दी नहीं है, नॉर्मल कपड़े पहने हुए खड़े हैं। और ये देखिए इधर असलम भाई की छत, ये देखिए हमारा सीन भाई की छत। तो पतंगे कुछ खास उड़ नहीं रही हैं अभी, जैसे ऐसे होगा और म्यूजिक काफ़ी क्रिएट हो रहा, हो सकता है वॉइस ओवर दोबारा से डालना पड़े। तो वीडियो पे एंड तक बने रहे, पूरे दिन का एक्सप्लोर कराएंगे और इस ब्लॉग के फौरन बाद जो है एक ब्लॉग और आएगा, वो भी आपको एक्सप्लोर कराएंगे। तो चलते हैं नीचे और दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस, थोड़ी बहुत मनिहारी की तरफ उड़ रही हैं, लेकिन हमारे एरिया में बहुत हल्की फुल्की ना के बराबर उड़ रही हैं पतंगे। और ये देखिए शरीफ मामू की छत पर जो है ये लोग टहल रहे हैं, हारून भाई हैं, साकिब भाई हैं और ये देखिए शमसुल भाई की छत पे भी काफ़ी सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं। जफर भाई हैं, शमसुल भाई हैं, शमसुल भाई का बेटा है। बदरू मामू की छत पे भी कोई नहीं है। ये देखिए हमारे सालिम भाई अकेले परेशान हैं, सालिम भाई हमारे अकेले ही परेशान हैं। और ये देखिए हमारे तालिब मामू की छत पर भी काफ़ी सारे लोग हैं और हमारे हिलाल भाई सर में जो है का गमछा बांधे हुए हैं। और एक चीज़ का और आप लोगों से कहना है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसलिए अब मिलते हैं 2 घंटे बाद। तो गाइस अब हम जो है बबलू भाई की छत पर आए हैं, हमारे बबलू भाई की छत पर आए हैं जिससे कि हम और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लोर करा पाएँ। तो ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये जो है अधियो मोहल्ले से छोटी गली तरफ का लिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये देखिए। और मैंने सोचा शायद इधर पतंग नहीं उड़ रही हैं, तो एक बार बबलू भाई की तरफ चल के देखते हैं, शायद वहाँ से उड़ रही हों। तो यहाँ से भी कोई पतंग वतंग नहीं उड़ रही हैं। ये देखिए मोहरब अली भाई के लड़का पतंग उड़ा रहा है और ये जो है चरखी कर रहे हैं। ये देखिए मोहरब अली भाई का लड़का कितने मज़े से पतंग उड़ा रहा है, धूप बहुत तेज़ है। जगी भाई हमारे आँख पे जो है का हाथ लगाए हुए लेटे हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। ये देखिए और ये देखिए इनकी पतंग, तो उसकी मार मार के उड़ा रहे हैं ये। ये देखिए मतलब इतनी लाइट हवा होने के बावजूद भी जो है ये बच्चा बहुत ही फंटास्टिक करके पतंग उड़ा रहा है यार, ये देखो। तो हम तो उड़ा भी नहीं पाते हैं यार, खैर। और ये हमारे जो है दानिश भाई की छत है, ये देखिए दानिश भाई भी टहल रहे हैं। परवेश भाई, मोहरम अली भाई बैठे हुए हैं कुर्सी पर आराम से, धूप का मज़ा ले रहे हैं। और पतंगबाजी इस बार जो है थोड़ा हल्की फुल्की लग रही है, लोगों के अंदर जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देखने में आ रहा है, सभी लोग अपनी अपनी छतों पर बैठे हुए हैं। कोई कोई बच्चों को मतलब रखा रहा है, कोई मतलब पतंगबाजी में कोई ज़्यादा जो है इन्वॉल्व नहीं देखने को मिल रहा है। ये हमारी छोटी गली वाली हर सिंगार वाली मस्जिद की मीनार है जो देख रहे हैं आप, और काफ़ी सारी दूर दूर तक जो पतंगे दिख रही हैं हल्की फुल्की, खास जैसी बसंत का जो रहता है वैसा कुछ नहीं। ये एक मीनारा मस्जिद की मीनार आप देख सकते हैं, ये भी हमारी जो है छोटी गली के जस्ट बगल में ही है। तो पतंग का सिस्टम जो हैगा ऐसा ही हैगा, हल्का फुल्का, कोई ज़्यादा खास नहीं हैगा। तो ये देखिए कुछ छोटे मोटे बच्चे कच्चे जो हैं वो उड़ा रहे हैं। और ये देखिए टाइम हो रहा है अभी 1:05 है, यानी ये बिल्कुल एकदम दोपहर का टाइम है।
और इस टाइम पे बहुत ज्यादा पतंगे उड़ना चाहिए थी, बहुत ज्यादा पतंगे उड़ती हैं, लेकिन हवा ना होने की वजह से जो है हवा ने सारी कहानी खराब कर दी। लोगों का जो दिल था वो रखा का रखा रह गया। और अब फाइनली जो है बबलू भाई ने नाश्ता मंगा लिया हम लोग के लिए, केले वाली चिप्स एंड गुड्डे बिस्किट एंड बेहतरीन जी चाय। थैंक्स फॉर इज्जत, थैंक्स फॉर इज्जत। फहीम भाई ने एक पेज चढ़ाया और फहीम भाई की पतंग कट गई फाइनली। और इस बार म्यूजिक व्यूजिक का भी ज़्यादा क्रेज नहीं चल रहा है, बहुत हल्की फुल्की मशीनें बज रही, लोगों को समझ में आ चुका है कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। और अभी टाइम जो हो रहा है 3:05 हो रहे हैं दोपहर के। और भाई साहब ये देखिए धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़ोर का सूरज पड़ रहा है तो धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन आसमान आप देख सकते हैं पतंगे भी नहीं उड़ रही हैं। तो पूरे दिन का आपको एक्सप्लोर करा देंगे इसी में कैसा क्या है। तो अभी हम धूप की वजह से जो है लेट गए हैं, आप देख सकते हैं हम लेटे हुए हैं आराम से मस्त तरीके से। तो वीडियो पे एंड तक बने रहें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और गाइस मुझे जो है पर्सनली जो है पन्नी वाली पतंग बहुत अच्छी लगती है, और किस किस को पन्नी वाली पतंग अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे एक भाई ने मुझसे कहा था कि गुदली की वीडियो बनाओ, तो गुदली की मेरा भाई वीडियो मैं बनाऊंगा, शहजाद भाई जो शहजाद अंसारी ने कमेंट किया था, तो गुदली की वीडियो मैं बनाऊंगा जिस दिन मौका लगेगा मेरे भाई ज़रूर बनाऊंगा। और रही बात आपके अनसब्सक्राइब करने की, तो मेरे लिए जितने के सारे जो मेरे 2500 सब्सक्राइबर हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक उसी तरह मेरे लिए आप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ मेरे भाई को अनसब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जो गुदली की रहने वाली है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो भाई को, डीमोटिवेट मत करो। तो ठीक है आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। गाइस कुछ हद तक जो है हवा चलना स्टार्ट हो चुकी है फाइनली, देख सकते हैं आप किस तरीके से हमारे शब्बीर भाई पतंग को लंबा कर रहे हैं। और ये देखिए हवा यानी कि ठीक ठाक चलने लगी है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी पतंगें उड़ना भी स्टार्ट हो गई हैं। और अभी पूरा 4:02 हो रहा है, पूरा को पूरा आपको जो है इसी ब्लॉग में जो है आज का जो बसंत से एक दिन पहले का रहता है वो इसी ब्लॉग में आपको जो है पूरा जो है का मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जो रहता है, जैसे कि कितनी क्या उड़ती हैं पहले दिन भी हमारे वहाँ जो है बुड्ढा बसंत भी कहा जाता है तीसरे दिन। तो आज का जितना जो होता है बसंत से एक दिन पहले का जो छोटा बसंत के नाम से जाना जाता है पूरा का पूरा आपको एक्सप्लोर करा देंगे। और वीडियो पे एंड तक बने रहें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। सो गाइस फाइनली जो है अब मगरिब का टाइम हो रहा है 6:01, तो आप देख सकते हैं पतंगे जो है का काफ़ी सारी उड़ना स्टार्ट हो गई हैं आप देख सकते हैं। और ये देखिए हमारे हसन अपने रिमोट कंट्रोल जो है रेसिंग कार में ही परेशान है, यानी बहुत इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक बार बैटरी चार्ज कर लेंगे तो जब तक उसे ख़त्म नहीं कर देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये देखिए गाइस पतंगे काफ़ी सारी उड़ना स्टार्ट हो गई हैं चारों तरफ आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं एरिया ये पूरा का पूरा छोटी गली का एरिया है जो व्यू आप देख पा रहे हैं। ये देखिए इनकी तो बात ही अलग है भाई साहब की, इन्हें तो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है, बस अपने रिमोट वाली कार की बैटरी चार्ज कर लो ख़त्म कर दो। तो गाइस ये देखिए काफ़ी सारी पतंगे स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि हवा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे इसे, ठीक ठाक नॉर्मल क्लास की हवा हो गई है कि लोग पतंग उड़ा पा रहे हैं। तो ये देखिए और इसके जस्ट बाद में जो है का ब्लॉग जो है एक दूसरा और आएगा जो कि हम उसमें एक्सप्लोर करा देंगे आपको, सदवाड़े में जो आतशबाजी वगैरह छुटती है वो सब एक्सप्लोर करा देंगे। और एक बात मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कल शाम को मगरिब के बाद दोबारा से मैं एक बार लाइव आऊँगा, लाइव आपको जो है पूरा मोमेंट दिखाऊँगा जो सदवाड़े में आतिशबाजी वगैरह छूटती है बसंत पंचमी वाले दिन शाम को मगरिब बाद, वो पूरा का पूरा मोमेंट मैं आपको लाइव दिखाऊँगा। तो प्लीज़ जो लोग भी देखना चाहें वो मेरे चैनल पर आकर लाइव देख सकते हैं कल, तो कल भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी क्योंकि इम्पॉर्टेंट और मेन दिन जो है वो कल का ही है। तो अभी आज का आपको जितना हम उससे हो सका था मैंने एक्सप्लोर कराया और ये बिल्कुल लास्ट टाइम है मगरिब के टाइम का व्यू है जो आप देख रहे हैं। काफ़ी सारे लोग देखिए पतंग उड़ा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम तो ये होता है कि उड़ा लो भैया अब अंधेरा होने जा रहा है। तो देखिए
काफ़ी सारे लोग हैं। और जब इससे पहले हमने दिखाया था आपको छत पे लोग नहीं थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम जो है सारी की सारी छतों पे लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने कितने सारे लोग जो है छतों पर आए हैं। ये देखिए तालिब मामू की छत पर भी हैं काफ़ी सारे लोग, और सालिम भाई की छत पर कोई नहीं दिख रहा है। और ये देखिए हमारे इसरार भाई की छत पर भी सारे के सारे लोग हैं। तो और बिल्कुल एकदम जस्ट मगरिब का टाइम है, तो गाइस आप देख सकते हैं। तो कल मेन दिन है तो ज़्यादातर जो है कल पतंगें उड़ेंगी। आज जैसे उम्मीद थी म्यूज़िक की, वैसा म्यूज़िक भी नहीं सुनने में आया, क्योंकि बहुत कम जगहों पे जो है डीजे वगैरह बज रहे हैं, ज़्यादा डीजे वगैरह नहीं बज रहे हैं। बहुत दूर दूर से आवाज़ें आ रही थी, कोई ख़ास जैसे कि उधम पहले जैसे अति जोती जाती थी उस तरीके से अति बिल्कुल भी नहीं जोती गई है। और मुझे लगता है कि आई होप कि लोगों को समझ में आ गई ये चीज़ कि पैसा बर्बाद करना है ये सब। और काफ़ी यंग जो लड़के होते हैं उन्हें थोड़ा सा उत्साह होता है, उनकी मर्ज़ी होती है, क्योंकि हम जब उनकी एज के थे तो हमें भी ये लगता था कि भाई सीडी लाना चाहिए, कैसेट लाना चाहिए और बजाना चाहिए। और ये देखिए चांद, देखिए ये गाइस चांद देख सकते हैं आप, ये शबे बारात का चांद है भाई साहब, आप देख सकते हैं गाइस। तो आज चांद की कितनी तारीख है मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइस ये देखिए, तो ये बसंत छोटे बसंत का ब्लॉग है, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं। और मैं अपनी छत से ही ये शूट कर रहा हूं जो आप देख रहे हैं, और इतनी मोहब्बत इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि मेरा आज बहुत खुशी का दिन है। मेरे 1000 जो हैगा वॉच टाइम जो है कंप्लीट हो गया है, जो 1000 घंटे का वॉच टाइम होता है वो आज कंप्लीट हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोग का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतनी इज्जत से नवाजा। एक बार फिर से आप लोग को कह देता हूँ, और अगर आप लोग में से जो भी लोग नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप सबसे, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए अब अपने दोस्त कोहिनूर अंसारी को इजाज़त देने का वक्त आ गया है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में बड़े बसंत के। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय।